हाय गाइस, दिस इज भरत अगेन एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है अबाउट कि हम कैसे पुराने पेपर्स यूजीसी नेट के आंसर कीज के साथ डाउनलोड करें। सो गाइस, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं। यूजीसी वाली वेबसाइट जिसपे हम नेट ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, और दूसरी है हमारी सीबीएसई वाली वेबसाइट जिसपे हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं और रजिस्टर करते हैं। सो गाइस, इन दोनों ही वेबसाइट पे हमें पुराने पेपर्स डाउनलोड होने के लिए मिलते हैं। जो जून 2014 से पहले के पेपर्स हैं वो यूजीसी पे हमें मिल जाते हैं, और उसके बाद के जो पेपर हैं वो हमें सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाते हैं। सो गाइस, आज हम ये देखेंगे कि हम इन पेपर्स को कैसे डाउनलोड करते हैं। सो अगर हम सबसे पहले बात करें यूजीसी की वेबसाइट की, यानी कि पुराने पेपर्स डाउनलोड करने की, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं UGCNetOnline.in पे। और इस पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, जिसे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे पास 2009 से लेके 2014 तक के पेपर की लिस्ट आ गई। तो यहाँ से हम पुराने क्वेश्चन पेपर जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2009 से 2011 तक के पेपर हैं, ये सारे सब्जेक्टिव हैं, यानी इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। तो हम जो है 2014 से लेके 2012 तक के पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जून 2014 का पेपर डाउनलोड करूं, तो ये देखिए ये पेज यहाँ पे खुल रहा है जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स वाइज पेपर्स की लिस्ट दी है, जिसमें पेपर वन का लिंक यहाँ पे और पेपर थ्री का लिंक यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पेपर वन है, जो कि जनरल पेपर होता है हर सब्जेक्ट के लिए, इसमें यहाँ पे देखिए 4 डाउनलोड लिंक दिए हुए हैं। उसका रीज़न ये है गाइस कि ये हमेशा सीरीज़ में आता है, कि जैसे ABCD सीरीज़ हो गई, XYZ सीरीज़ हो गई, या PQRS सीरीज़ हो गई, तो ये अलग अलग सीरीज़ के यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर्स जो हैं पुराने वो डाउनलोड कर सकते हैं UGC की वेबसाइट पे। और अगर आपको आंसर कीज डाउनलोड करनी है, तो आपको जाना होगा यहाँ आर्काइव ऑप्शन पे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक आर्काइव खुल गया है। इस नोटिफिकेशंस में आपको ढूंढना होगा कि अपडेटेड आंसर की का नोटिफिकेशन कहाँ पे है, वहीं से आपका लिंक होगा, वो आंसर कीज पे आपको ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो है अपडेटेड आंसर कीज ऑफ जून 2014। तो यहाँ पे आपको जून 2014 की जितनी आंसर कीज थी वो सारी की सारी मिल जाएंगी। तो ये देखिए, जैसे हमने पेपर का लिंक खोला था, उसी तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर कीज का लिंक खुला हुआ है। तो यहाँ से हम चाहें तो आंसर कीज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं यूजीसी वाली वेबसाइट पे ओल्ड पेपर्स को हम कैसे डाउनलोड करते हैं। ओल्ड पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे जाते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ लिस्ट आ जाती है, 2012 से 2014 के बीच हम कोई भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने पेपर्स डाउनलोड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। इसके अलावा आंसर कीज जो डाउनलोड होंगी वो यहाँ आर्काइव से होंगी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास नोटिफिकेशंस का आर्काइव खुल जाएगा। इसमें हम अपडेटेड आंसर कीज को सर्च करेंगे तो हमें यहाँ लगभग सारी की सारी आंसर कीज मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास जून 2014 की आंसर की है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये देखिए आंसर कीज जून 2012 की भी है। तो यहाँ पे आपको इन नोटिफिकेशंस में सारी की सारी आंसर कीज मिल जाएंगी। अब बारी आती है ये देखने की कि CBSE की वेबसाइट पर हम कैसे नए पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हम गए CBSENET.NIC.IN पे। ठीक है, ये देखिए वही वेबसाइट है जिसपे आप रजिस्टर करते हैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इस पे देखिए लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पैनल दिया है इम्पॉर्टेंट लिंक्स का, जिसमें कि पुराने पेपर्स का के लिंक्स दिए हुए हैं। इसमें से आप किसी भी अगर पेपर पे जाएंगे, जैसे सपोज हम जून 2015 पे गए, और देखिए इसमें जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं उसमें हमें सर्च करना होगा कि क्वेश्चन पेपर की नोटिफिकेशन कहाँ पे है। ये यहाँ पे लिखा है व्यू क्वेश्चन पेपर्स जून 2015, इसको हम क्लिक करेंगे। और इस पे देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री का। तो अगर हम पेपर वन सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 डिफरेंट सीरीज़ के पेपर दे रहा है। यहाँ से हम
पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 या पेपर 3 जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें सब्जेक्ट्स की लिस्ट देगा कि हमें किस सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, वापस इस वेबसाइट पे आते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें आंसर की डाउनलोड करनी है तो जैसे यहाँ क्वेश्चन पेपर का हमें नोटिफिकेशन हमने देखा था जून 2015 का, उसी तरीके से हमें यहाँ रिवाइज्ड आंसर कीज के भी नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं। इस पे अगर हम जाएंगे, सपोज अगर हम पेपर 3 को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारा सारे सब्जेक्ट्स का एक आंसर की जो है, कॉमन आंसर की जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये तो हो गया हमारे लेफ्ट पैनल पे, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ होता है और उसके अभी अभी रिजल्ट्स आए होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इधर राइट पैनल पे मिलती है। तो जैसे अभी अभी जैसे जैन 2017 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और उसके अभी भी रिजल्ट्स आए हैं, तो इसके जितने भी अगर आप क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड करनी है तो वो आपको इधर दिया है व्यू क्वेश्चन पेपर जैन 2017। तो ये देखिए ये हमें यहाँ से इसका ऑप्शन हमें जैन 2017 वाला ऑप्शन जो है हमें यहाँ से राइट साइड से आया। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आंसर कीज भी दी हुई हैं, तो अगर हम यहाँ क्लिक करें तो हम यहाँ से आंसर कीज भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एक कॉमन आंसर की हमें पीडीएफ फाइल में मिल गई। तो गाइज ये था हमारा वीडियो अबाउट पुराने पेपर्स जो है यूजीसी नेट के, वो कैसे डाउनलोड करें सीबीएसई और यूजीसी की वेबसाइट पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कुछ सीखने को मिला या कुछ आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स हैं प्लीज़ नीचे लिख के हमें बताइए। और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आगे भी लेते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।